नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार आरजेडी से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि आरजेडी में अब तेज प्रताप यादव बिल्कुल अलग थलग नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ अब देखा भी जा सकता है। जिस तरीके से पोस्टर विवाद शुरू से ही चलता आ रहा है, कई बार हमने देखा है कि अगर तेजस्वी यादव का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें तेज प्रताप की फ़ोटो नहीं होती हैं और तेज प्रताप का कोई कार्यक्रम है तो तेजस्वी यादव की फोटो नहीं होती है। और ये आज से नहीं, काफी दिनों से देख रहे हैं कि ऐसी पोस्टर विवाद देखने को मिल रही है। इसको लेकर के आरजेडी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आती है, लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आरजेडी में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों भाइयों के बीच ही दरार है। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी कई बार तेजस्वी यादव पर बातों बातों में भी तंज कस दिया है और जगदानंद सिंह से वो लगातार नाराज रह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो एक पोस्टर हमारे सामने फिर से आ रहा है वो है राजत मिलन समारोह का। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे लालू परिवार को जगह दी गई है, पार्टी के बड़े नेताओं को जगह दी गई है, लेकिन तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या तेज प्रताप यादव को अब उनके परिवार से भी अलग कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा है कि तेज प्रताप यादव जब छात्रों की बैठक करते हैं या फिर छात्र विंग की कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें वो तेजस्वी यादव की फ़ोटो नहीं डालते हैं और राजद के कोई भी नेता की फ़ोटो नहीं डालते हैं, फिर सिर्फ वो अपनी फ़ोटो और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की फ़ोटो डालते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें अलग कार्यक्रम की कि अगर राजद में कोई और भी कार्यक्रम होता है तो उसमें तेज प्रताप यादव को जगह नहीं मिलती है और एक बार फिर से वैसा ही देखा जा रहा है जो इस मिलन समारोह है। इस मिलन समारोह में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई है। आपको बताएं कि मंगलवार को मिलन समारोह में राजद में शामिल होने वाली सीता यादव खगड़िया नगर परिषद में चेयरमैन हैं। उनके पति मनोहर यादव भी राजद में शामिल हो रहे हैं। मनोहर यादव भी पहले चेयरमैन रह चुके हैं। खगड़िया में रणवीर यादव को टक्कर देने वाले मनोहर यादव ही हैं। हालांकि रणवीर यादव की दूसरी पत्नी कृष्णा यादव राजद में ही है। जानकारी है कि काउंसिल की लोकल बॉडी का चुनाव होना है, इसमें धन बल से मजबूत और सामाजिक जनाधार वाला व्यक्ति चाहिए। मनोहर यादव के पास लगभग 15,000 वोट बैंक भी है। मनोहर जाप के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस तरीके से इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा जनाधार वाले हैं, जिन्हें लोग ज़्यादा जानते हैं, उन्हें यहाँ पे खड़ा किया जाएगा। और इसे लेकर के ही राजद की तरफ से एक मिलन समारोह किया गया, लेकिन उस मिलन समारोह में पोस्टर में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई। तो आप सोचिए कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव को क्या जगह मिलेगी। और ये लगातार देखा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव को अब वो अहमियत पार्टी और परिवार में भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि कोई भी बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें तेज प्रताप यादव शामिल नहीं होते हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।